Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास सैमसंग का A54 है और आपको इस फोन में लगाना है अपने फिंगरप्रिंट लॉक, या फिर आप फिंगरप्रिंट लॉक की सेटिंग को करना चाहते हैं जिसकी ऑलवेज आपका फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन वो आपको देखने को मिलते हैं उन सर, अगर वो सब आप चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे उन सबको आप कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू कर लेते हैं। आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन करेंगे और ओपन करके यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर लॉक स्क्रीन देखेगा, आपको यहाँ क्लिक करके सबसे पहले तो इस फोन में स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है, इसके बाद ही आप इस के अंदर फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो यहां से स्क्रीन लॉक आपको सेट करना होगा और यहां से वापस आना होगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आएगा, आप यहां क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहां देखने को मिलेगा बायोमेट्रिक, तो सिंपल आपको बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो फेस लॉक और अपना फिंगरप्रिंट लॉक आप यहीं से सेट कर पाएंगे। तो यहां पे आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है, जो भी आपका स्क्रीन लॉक है वो आपको यहां पे सेट कर लेना है। इस तरह से आपको सेट करेंगे और यहां कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना होगा। अगर आप ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहां आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपना फिंगरप्रिंट इस तरह से इस पर टच कराना है। तो सब तरह ये मूव करेगा, तो आपको इस तरह से अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर लेना है। ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं किस किस तरह से आपने कौन कौन से फिंगर इस फोन के अंदर ऐड किए हैं, टेस्ट करके आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट कौन सा है, फिंगरप्रिंट नंबर कौन सा है, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन, ये फीचर ऑन रहता है तो लॉक स्क्रीन होने पर भी आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं, चाहे तो इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बंद करना चाहते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है और आपको इस तरह से अपना लॉक वगैरह सेट करके आपका जो स्क्रीन लॉक है वो यहाँ से इस तरह से डिसेबल कर देना है। यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से ऑन रखेंगे तो जो एनिमेशन आपको दिखाई देता है, जो एनिमेशन आप जो फिंगरप्रिंट टच करते हैं तो वो एनिमेशन आपका बंद हो जाएगा इसको बंद करने पर। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस फोन में आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं तो आसानी से। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।